ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज हम श्रीमद्भागवतम, जिसका टिप्पणी हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखा गया है, उसका जो भूमिका है उसका लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। भूमिका में श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बताया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही भागवत धर्म का प्रचार किया और उनके जो भी सेनाएं हैं या उनके जो शिष्य हैं, और ये परंपरा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्रील प्रभुपाद आए, तो उन्होंने पूरे विश्व में श्रीमद् भागवतम का वितरण किया और श्रीमद् भागवत महापुराण के संदेशों को प्रचार किया जीवात्माओं में। तो महाप्रभु वृंदावन गए और वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने 12 वनों की यात्रा भी की। तो ब्रज में हर एक जो स्थल है वहाँ भगवान श्री कृष्ण की पदचिन्ह है, चरण रज है, इसलिए ब्रज रज बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी कोई प्रणाम करते हैं ब्रज में, वृंदावन में, और जब वो प्रणाम करके उठते हैं, उनको कभी भी अपने सर से या बॉडी से जो रज है उसको झाड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और जब वो लगा होता है, जब कोई शुद्ध भक्त देखते हैं या देवतागण देखते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे कोई मणि चमक रहा हो, क्योंकि वो ब्रज का रज है। तो कई जो रज होते हैं, ब्रज का रज या भक्तों के जो चरण धूली है उसका जो वो जो रज है वो बहुत पावरफुल होते हैं। कई बार हम वैष्णव के प्रति अगर अपराध करते हैं, अगर वैष्णव हमें माफ भी कर देते हैं, पर जो रज है वो हमें माफ नहीं करते, इसलिए उसका हमें फल भुगतना पड़ता ही है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार से वैष्णव अपराध या धाम अपराध नहीं करना चाहिए। ये जो महाप्रभु गए, तो महाप्रभु ने महत्वपूर्ण स्थानों में जो है स्नान किया, और जो 12 वन है, वृंदावन, तालवन, भांदिरवन आदि करके 12 वन है, इन 12 वनों की भी यात्रा की। तो कार्तिक के दौरान बहुत लोग जो है ये ब्रज के यात्रा करते हैं, 12 वनों का दर्शन करते हैं, और नॉर्मली भी बहुत लोग करते हैं। तो इन वनों की जो गाय थी या पक्षियाँ है या जो भी, ये जो 12 वन है जहाँ भगवान की लीला स्थली है, एक्चुअली ये पूरा ब्रज, ये ब्रज की जो गाय है या पक्षी है, या भले ही स्वर के रूप में है कोई आत्मा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महान महान भक्त है, तपस्वी है। तभी उनको वृंदावन में रहने का मौका मिला है, तभी उनको वृंदावन में जगह मिली है या जन्म मिला है, भले ही वो पशु पक्षी की ही शरीर में क्यों ना हो, वो दिव्य है। तो इसलिए हमें उनके प्रति कभी भी बुरी भावना नहीं रखना या अपराध नहीं करना है, ये सोच के ये तो कुत्ता है या ये तो सुअर है या लाइक दैट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा धाम अपराध है। और आप देखिए, जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की गाय बछड़े चुरा लिए थे, और गोप बालकों को भी चुरा लिया था, फिर जब उनको अपनी गलती की एहसास हुआ तो उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगा और कृष्ण से प्रार्थना किया कि मुझे वृंदावन में एक तृण बना दीजिए, ब्रह्मा के पद पाकर मैं इतना अहंकारी हो गया कि मैं भगवान के प्रति ही अपराध कर बैठा, तो मुझे एक घास का तिनका बना दीजिए, क्योंकि वो बहुत तुच्छ जन्म है, क्योंकि वो कोई भी उसके ऊपर पैर रखता है वो फिर भी कुछ भी नहीं, मतलब सहन करते हैं। तो फिर भी भगवान ने कुछ इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वृंदावन में एक घास बनना भी बहुत बड़ा जो है भक्त या बहुत बड़ा तपस्या की जरूरत है, कृष्ण के प्रति भक्ति होनी चाहिए।
ब्रह्मा जी तो है, कृष्ण के प्रति भक्ति है उनमें, लेकिन उन्होंने अपराध किया था, तो भगवान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया कि भगवान मुझे वृंदावन के, अगर मैं वृंदावन के अंदर तृण बनने लायक नहीं हूँ, तो वृंदावन के बाहर जो तृण है मुझे वही बना दीजिए, ताकि आपके पास वृंदावन में जो भी भक्त दर्शन के लिए आए, वो जब जाए तो उनका चरण रज मेरे सर पर गिरे। लेकिन भगवान ने उस बात पर भी कोई जवाब नहीं दिया था। तो फिर ब्रह्मा जो है चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण ही है लेकिन भक्त रूप में होने के कारण और ज्यादा दयालु है, तो वो उदार धाम है, नवद्वीप धाम, वहाँ गए, वहाँ तपस्या किया, तो गौरांग 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 नाम का जप किया, तो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। तो उन्होंने उनसे बोला कि हे भगवान, मुझे कोई निम्न जन्म दीजिए, ताकि, क्योंकि ब्रह्मा के पद में मैं बहुत अहंकार हो गया कि मैंने आपके प्रति अपराध किया, और मुझे आपके साथ सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। तो वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर, और मुसलमान परिवार में जन्म लेते हैं बंगाल में, यवन परिवार में, और हरिदास ठाकुर नाम से जाने जाते हैं, पर वो इतना शुद्ध भक्त है कि वो डेली इतना नाम जप करते हैं कि उनका नामाचार्य का उपाधि दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो बहुत प्रिय भक्त बने चैतन्य महाप्रभु के। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो सारे वन और गाय और पक्षियों ने चैतन्य महाप्रभु को ऐसे स्वागत किया जैसे पुराने मित्र हो। महाप्रभु उन वनों के सारे वृक्षों का आलिंगन करते करते जाते, और ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण भी प्रकट हो रहे थे। इतना प्रेम है महाप्रभु के हृदय में कृष्ण के लिए कि वो बार बार प्रेम भाव में मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन कोई अगर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं तो वो पुनः चेतना आ जाती है। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया वे थे काम्य वन, आदिश्वर, पावन सरोवर, खदिर वन, शेषशायी, खेल तीर्थ, फांदिर वन, भद्र वन, श्री वन, लोहवन, महावन, गोकुल, कालिया हृद, द्वादशादित्य, केशितार्थ आदि। तब जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ रास लीला हुआ था कृष्ण और गोपिकाओं के बीच, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। जब तक वे वृंदावन में रहे, उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। चैतन्य महाप्रभु के जो पर्सनल सर्वेंट है, निजी सेवक कृष्णदास विप्र, उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने के लिए प्रयाग ले जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु राजी हो गए कि चलो चलते हैं। और रास्ते में चैतन्य महाप्रभु को कुछ पठान मिल गए, और जिसमें से एक विद्वान मौलाना था, तो महाप्रभु की इस मौलाना तथा उनके जो साथी थे, पठान जो साथिया थे, उनसे कुछ बात हुई, और महाप्रभु ने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा कृष्ण का वर्णन है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो उनके कन्विक्शन से ऑब्वियसली, और वो जानते हैं कि हर एक धर्म ग्रंथ में जो है भगवान के प्रति प्रेम करने का ही संदेश है। तो इस प्रकार भगवान ने उनको कन्विंस किया, और वो मान गए इस बात को कि हाँ, कुरान में भी भगवत धर्म और कृष्ण का वर्णन है। फलत तो जितने भी पठान थे जो महाप्रभु से मिले, वे भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। जब वे प्रयाग आ गए, प्रयागराज चैतन्य महाप्रभु, तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के वासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया, क्योंकि पहले भी प्रयाग आ चुके हैं प्रभु चैतन्य महाप्रभु, और बहुत सारे मायावादी सन्यासियों को भी दीक्षा दे चुके हैं, तो इस बार सब लोगों ने बहुत आदर के साथ बुलाया। प्रयाग में उस बार स्थित आढ़ेल ग्राम के वासी बल्लभ भट्ट अपने ग्राम में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। यमुना नदी से बहुत प्रेम है महाप्रभु को, ऑब्वियसली यमुना जो है समस्त भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें यमुना के तट पर ही भगवान ने लीलाएं की है, और यमुना ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, तो इस प्रकार से लीलाएं हुई। और प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने
रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। और ये जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, भक्ति विज्ञान का ज्ञान दिया। और रूप गोस्वामी ने भी हमें उस ज्ञान पर आधार करके भक्ति रसामृत सिंधु जैसे पुस्तक दी, उपदेशामृत जैसे पुस्तक दी, जिसको पढ़कर हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके और सफलता प्राप्त कर सके। तो महाप्रभु ने क्या ज्ञान दिया, महाप्रभु ने उनको 84 लाख जो योनिया है उनकी जो अलग अलग विभाग है उसकी शिक्षा प्रदान किया। फिर उन्होंने मनुष्य योनि का पाठ पढ़ाया और उन्होंने मनुष्य में से जो वैदिक सिद्धांत के अनुयायी के विषय पर कैसे कर्म योगी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम भक्ति योगी है। और ऐसे बहुत ही विरले लोग हैं जो वास्तव में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इस बारे में भी बताया, जो एक श्लोक में उपदेशामृत में रूप गोस्वामी इसका उल्लेख भी करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो है भगवान के शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है गोपिकाएं, और गोपिकाएं में श्रेष्ठतम है श्रीमती राधिका, और श्रीमती राधिका का राधा कुंड जो स्थान है कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जितना राधा रानी प्रिय है। तो श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे और वो भी अपने नौकरी करते थे, जैसे सनातन गोस्वामी मिनिस्टर थे बंगाल में नवाब हुसैन शाह के वहाँ, तो वहाँ वो भी काम करते थे। और उन्होंने बहुत सारे जैसे सोने के सिक्के, दो नाव भरकर सोने के सिक्के उनको मिला था, इतना संचित उन्होंने कर लिया था नौकरी से। तो जब वो घर छोड़ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटा, उसका जो 50% है वो उन्होंने कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा में दे दिया, उसका 25% अपने संबंधियों में दे दिया और बाकी 25% आपातकालीन परिस्थिति के लिए बचा कर रखा। कई सारे भक्त इस तरह से अपने जो कमाई है उसको बांटते हैं, 50% भक्त और भगवान की सेवा में लगा देते हैं, 25% जो है अपने घर के परिवार की पालन पोषण में लगा देते हैं, और 25% सेव करके रखते हैं कि कोई आपातकालीन स्थिति आए, इमरजेंसी, उसमें यूज करेंगे। तो महाप्रभु ने गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता से की और उपदेश दिया कि तुम इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत हाथियों से बचाना। क्योंकि जब भी हम वैष्णवों के प्रति कोई अपराध करते हैं, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है, किसी वैष्णव को मारना, पीटना या हत्या करना, किसी वैष्णव की निंदा करना, किसी वैष्णव के प्रति ईर्ष्या भाव रखना कि उनकी उन्नति सहन नहीं कर पाना, कृष्ण वैष्णव को देख कर भी उनका अभिनंदन नहीं करना, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी, ऐसा नहीं करना, किसी वैष्णव को आने पर, वैष्णव के आने पर खुश ना होना इस प्रकार से, या किसी वैष्णव पर क्रोध करना, ये 6 प्रकार का वैष्णव अपराध है। तो भक्ति लता जो हमारा भक्ति हम करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु ने हमारे हृदय में जो भक्ति लता का बीज रोपण किया है उसको निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए अपनी साधना के द्वारा, भक्तों के संगति के द्वारा जो है उसको उसका भरण पोषण होता है या बढ़ता है भक्ति लता। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जो जैसे कोई लता बढ़ रहा है और हाथी आ जाता है तो उसको तहस नहस कर देते ना बाघ को, अच्छे अच्छे बाघ को भी लताएं भी वो खींच के तोड़ देता है। तो इस प्रकार ये जो वैष्णव अपराध है ये मदमत्ता हाथी की तरह है, पागल हाथी की तरह है, तो ये हमारी भक्ति लता को तहस नहस कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये रूप गोस्वामी को अर्थात हमें भी उपदेश दिया है कि हम वैष्णव अपराध से कैसे भी बचे। क्योंकि जैसे आपको अगर खिचड़ी बनानी है तो आपने आग जलाया लकड़ी का, जैसे आपका चूल्हा है तो आपने लकड़ी से, मतलब मिट्टी का चूल्हा है, लकड़ी से आपने आग जलाया, और लेकिन खीर या खिचड़ी अभी पका रहे हैं आप और बीच बीच में आप थोड़ा पानी का छींटा मार रहे हैं तो आग क्या जल पाएगी, क्या वो खिचड़ी पकेगी आपकी? बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हम भक्ति तो रोज कर रहे हैं, 16 माला, 4 नियम, भागवत श्रवण और भागवत पढ़ना, लेकिन अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति जो है भक्ति लता बीज भगवत धाम तक नहीं पहुंच पाएगी, कृष्ण के चरण तक। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए। और इससे सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त किस किस से बचना चाहिए जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति में बहुत बड़ी बाधाएं हैं, इंद्रिय भोग की इच्छाओं से बचना चाहिए,
और अद्वैतवादी मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ये सब मुक्ति से बचना चाहिए, तथा हठ योग प्रणाली की सिद्धि, सिद्धि आदि प्राप्त करना, ये सबसे मतलब हमें भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी नहीं बनना है, हमें निष्काम भक्त बनना है कृष्ण का। तो इस प्रकार अगर हम बचेंगे तो ये जो है ना मुक्ति भुक्ति सिद्धि की जो इच्छाएं है, ये जैसे आपका भक्ति लता बढ़ रही है और उसके आसपास अवांछित घास फूस है जो लता को बढ़ने में बाधा दे रहे हैं, ऐसा है, तो इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए और सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सांसारिक सम्मान या सांसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक है, क्योंकि हमारे आंखों की इंद्रिय तृप्ति तो है, हमने कुछ फिल्में देख लिया, कान की इंद्रिय तृप्ति है कुछ फिल्मी सॉन्ग सुन लिया, नाक की इंद्रिय तृप्ति है कि जैसे नॉनवेज वगैरह का स्मेल ले लेते हैं लोग या कोई गंदा वैसा स्मेल, जीभ का इंद्रिय तृप्ति है कि जो कृष्ण को भोग नहीं लगा हुआ है वैसा चीज़ खाना, स्किन का इंद्रिय तृप्ति है जो स्त्री पुरुष संभोग करते हैं ऐसा। लेकिन ये सब इंद्रिय तृप्तियाँ जो है ये सब तो इंद्रियों का तृप्ति हुआ, लेकिन मन कैसे तृप्त होते हैं? मन ना जो पूजा मान प्रतिष्ठा की जो इच्छाएं हैं इससे मन इंद्रिय तृप्ति है, मन का ये तृप्ति है, कहने का तात्पर्य है मन ऐसे जो है इन सब चीज़ों के पीछे भागता है और इसी वजह से जो है ये भी भक्ति में बाधक है। तो हमारे हृदय में ऐसा होना चाहिए कि अमानिना मान देना, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, हम किसी से मान की अपेक्षा ना करें लेकिन हम सबको मान दें। तो शुद्ध भक्ति को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, सकाम महत्वाकांक्षाओं तथा अद्वैतवादी ज्ञान की संस्कृति से मुक्त होना चाहिए। उनके पास अगर ज्ञान है, सिर्फ भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए भक्तों को श्री भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भक्ति पुस्तक जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी पुस्तक पढ़े जो भक्ति से रिलेटेड ना हो। तो मनुष्य को सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और जब वो दिव्य शुद्धता प्राप्त कर लेता है तो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है उनके पास कितना भी धन या कितना भी पावर पोजीशन या कितना भी नाम यश आ जाए, वो कभी भी अहंकार नहीं करता, वो विनम्र रहता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो थोड़ा सा भी प्राप्ति से, थोड़ा सा भी धन की प्राप्ति से अहंकार दिखाने लगते हैं, समाज में दिखावा करने लगते हैं, अपना स्टेटस गिनाने लगते हैं, तो ये हमारी मूर्खता का जो है परिचय है। तो हम भक्तों को देखते हैं कि वो लोग बहुत भौतिक संपन्न भी है, फिर भी भौतिक संपन्नता को वो कोई वैल्यू नहीं देते या उसको छुपाते हैं और भक्ति को ही सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो खुद भी भक्तिमय जीवन जी रहे हैं और भक्ति से ही इम्प्रेस होते हैं, किसी अन्य भौतिक संपदा से वो इम्प्रेस नहीं होते। तो भक्ति जो है दो प्रकार से संपन्न की जाती है, एक तो है प्राथमिक अभ्यास द्वारा और तथा स्वैच्छिक भाव से। एक तो मतलब जैसे एक है वैधि साधना भक्ति, रागानु का साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति मतलब विधि नियम का हम पालन तो करते हैं, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी गुरु और शास्त्र की आज्ञाओं का हम पालन करने का भरसक प्रयत्न करते हैं इस प्रकार से। और दूसरा जो है स्वेच्छा से, जैसे गोपियों की जो भक्ति है रागानुगा भक्ति है, ऑटोमेटिकली ही वो लोग कृष्ण में ही स्थित है, इसलिए उद्धव जब बोलते हैं कि आप लोग ध्यान करो ध्यान करो, गोपियां कहते हैं हम कृष्ण को भूल जाना चाहती है और एक क्षण के लिए हम भूल नहीं पाते हैं और आप बोल रहे हैं ध्यान करो, हमें ध्यान नहीं करना, हमें ध्यान हटाना है उनसे। तो ऐसी स्थिति होता है स्वैच्छिक भाव से जो भक्ति कर रहे हैं, इसका ये उदाहरण है कि ये रागानुगा भक्ति है कि अपने आप ही मन भक्ति में लगता रहता है। तो वो स्थिति भी आ जाएगी अगर हम प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर जो विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति में लगे रहेंगे। तो दिव्य भक्ति की पांच अवस्थाएं हैं, स्तर या रस है। पहला शांत अवस्था या शांत रस। तो जो शांत रस है वो भवबंधन से मुक्ति के तुरंत बाद के आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। शांत रस में बहुत सारे जो है आत्माएं भगवान की सेवा करते हैं, जैसे भगवान की गैया बन जाते हैं, भगवान के चरणों के फ्लावर्स या फूल माला या वस्त्र आभूषण, ये सब आत्माएं हैं, सब चेतन है। तो ये सब जो है उदाहरण है शांत अवस्था का। दूसरा है दास्य अवस्था।
भक्त भगवान के अंतः ऐश्वर्य के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर दास्य अवस्था में रत होता है। तो भवबंधन से जैसे ही मुक्ति होती है तो तुरंत बाद आत्म साक्षात्कार की शांत अवस्था होती है, जो शांत अवस्था है, उसके बाद भक्त भगवान के अंतः ऐश्वर्य के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर दास्य अवस्था में रत होता है। जैसे कि वैकुंठ में दास्य अवस्था पाया जाता है, मतलब भगवान मेरे मालिक है और मैं भगवान का दास हूँ, ऐसी भावना प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है जैसे हनुमान जी हमेशा दास्य भाव में राम जी की सेवा करते हैं। तीसरा अवस्था है कि दास्य अवस्था के अधिक विकास से भगवान के साथ भातृभाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव या समभाव प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं सख्य अवस्था कहलाती है। तो भगवान को जैसे भातृभाव उत्पन्न होना, जैसे भाई जैसा, या मित्रता समभाव, समान जैसा भाव, तो ये दोनों ही अवस्था, भातृभाव और उसके बाद जो मैत्री भाव है, मित्रता का भाव, ये दोनों सख्य सख्य अवस्था में आता है और सख्य अवस्था कहलाती है। इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव उपजता है, ये भगवान मेरा लल्ला है ऐसा। और पांचवा जो है माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपर्युक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता से कोई अंतर नहीं है, यह ईश्वर के प्रति दाम्पत्य प्रेम की अंतिम अवस्था है, यानी माधुर्य अवस्था, जैसे गोपियों का है, गोपियां कृष्ण को अपना प्रेमी मानते हैं, पति या प्रेमी मानना माधुर्य अवस्था है। इस प्रकार उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से संबद्ध वृंदावन की लुप्त स्थलों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा, क्योंकि वो लुप्त स्थल सिर्फ कृष्ण ही और राधिका राधिका को ही पता है, तो उन्होंने ही उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। उसके बाद महाप्रभु वाराणसी लौट गए। तो महाप्रभु ने वैसे कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, लिखा भी था तो उन्होंने अपने मित्र के लिए जो है उसको गंगा जी में बहा दिया, लेकिन उन्होंने 8 श्लोक हमें हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और इन 8 श्लोक को शिक्षाष्टक नाम से जाने जाते हैं। उनके दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। बहुत सारे भक्ति का जो विज्ञान है सद गोस्वामियों की पुस्तकों में हमें प्राप्त होता है, और जो शिक्षाष्टकम है एक्चुअली जो 8 श्लोका है उसमें चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ 19 श्लोकों में हमें देकर गए हैं। तो महाप्रभु की जो 8 श्लोक है वो इस प्रकार है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमारे लिए छोड़ के गए 8 श्लोका, उसका जो पहला श्लोका है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वन सेकंड, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्वात्मास्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में एकत्रित वर्षों की धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावाग्नि को बुझाता है। महादावाग्नि क्या है? भौतिक इच्छा है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदायक चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है, यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में हमें समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव लालायित रहते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है शिक्षाष्टकम, तो उसका जो है ये पहला श्लोक हमें श्रद्धा, जो हमारे भक्ति में जब हम बढ़ते हैं तो उसमें श्रद्धा पहले होना चाहिए। तो ये श्लोक जो है श्रद्धा कृष्ण के नाम संकीर्तन से शिक्षाष्टक के जो प्रथम श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम है, ये सातों लाभ, जिसमें जो सातों लाभ है वो हमें श्रद्धा से प्राप्त होता है।
किस प्रकार का लाभ है। ऐसे इसमें मेन ये है कि इसमें चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हमारे जो चित्त रूपी दर्पण में जो मल जमा हुआ है, हम संकीर्तन जब जप करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो ये मल नष्ट हो जाता है और फिर हम आनंदम बुद्धि वर्धनम, फिर हमारा आनंद बढ़ता है। तो ये जो है श्रद्धा का जो है एक प्रकार से हमें श्रद्धा इसमें दिखता है कि श्रद्धा का कैसे डेवलप करना है हमें, इस इन कार्यों से हमें श्रद्धा का डेवलप होगा। दूसरा श्लोक जो है उसमें साधु संग भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये दूसरा श्लोक इन तीन अवस्थाओं में प्रगति का निर्देश करता है। नाम नाम कारि बहुधानि च सर्वशक्तिस् तत्रार्पितानि अमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इह जानिनानुरागः। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें इसका अर्थ है कि हे प्रभु, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके पवित्र नाम से जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है, तो अतः आपके अनेक नाम है तथा कृष्ण तथा गोविंद जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं, तो आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी है और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। तो हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बुद्ध बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूँ, अतः मुझे जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें भक्तों के साथ संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, पवित्र नाम का जप करते हैं और ये अनुभव करते हैं कि हम अच्छे से जप नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और इससे हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है। जैसे अनर्थ निवृत्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य या छह वेग, ये सब जो भी दोष है वो नष्ट हो जाता है। तीसरा जो श्लोक है उसमें निष्ठा, तीसरा श्लोक भक्तों को विनम्रता सिखाती है, सहिष्णुता और निर्माणी बनकर कृष्ण में दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर देता है। त्रिनादपि सुनी चेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो कौन से लोग 2400 घंटा कृष्ण का नाम जप कर सकता है, जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है तथा जो निजी सम्मान को न चाहकर अन्य को हमेशा आदर देते हैं और सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं, वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सुगमता से कर सकता है। जो चौथा श्लोक है उसमें जगत से उदासीन होकर श्री कृष्ण की भक्ति में अनोखी रुचि पैदा कर देता है। तो चौथा है रुचि। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। मतलब मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी जो अनुयायी फॉलोअर्स है, सुंदर पत्नी या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है कृष्णा, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि कितना रुचि उत्पन्न हो जाता है। पांचवा जो श्लोक है भक्तों को कृष्ण में एक किंकर के रूप में आसक्त कर देता है कि मैं कृष्ण के दास हूँ, आसक्ति हो जाती है। अयि नन्द तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। हे प्रभु, मैं महाराज नंद के पुत्र, हे नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंकर हूँ, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर गया हूँ। अब आप मुझ पर अहेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलिका एक कर्ण माने। तो आसक्ति हो जाता है। जो सिक्स श्लोक है छठा श्लोक में श्री कृष्ण के भाव उत्पन्न कराकर अष्टसात्विक भावों का आस्वादन करवाता है। कैसे? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर्णिचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रभामान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे? कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा? तो इस तरह से जो सातवां श्लोक है वो विप्रलम्भ प्रेम, कृष्ण के विरह में तड़पते हुए प्रेमी भक्त का वर्णन करता है।
युगायितं निमेषेना चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेन मे। आपके वियोग में कृष्ण एक क्षण मुझे एक युग सा प्रतीत हो रहा है। विप्रलम्बा प्रेम भाव, मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है और मैं सारे जगत को शून्य सा देखता हूँ। और जो आठवां श्लोक है वो भाव भक्ति का पराकाष्ठा निर्दिष्ट करता है, जिसमें भक्त कृष्ण के शर्त रहित प्रेमा भक्ति करता है। अश्लिष्यवा पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करे या अपने पांवों तले कुचल डाले अथवा कभी अपना दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दे, आखिर वे लंपट है और जो चाहे सो कर सकते हैं, तो भी वे मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु है, मेरे प्राणनाथ है। ये जो भावना है ये आठवां श्लोक में भाव भक्ति का पराकाष्ठा दिखता है। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा से लेकर श्री कृष्ण में गोपियों की तरह शर्त रहित कोई कंडीशन के बिना अनकंडीशनल लव की जो अवस्था है उसका वर्णन करते हैं, अर्थात नाम जप करते हुए हमें श्री कृष्ण का विरही बनकर प्रेम का आस्वादन करने की शिक्षा देते हैं। और श्री कृष्ण का विरह युक्त प्रेम ही जीवात्मा के लिए सर्वोच्च आनंद है। जैसे इस भौतिक संसार में अगर किसी का किसी प्रेमी से विरह होता है तो बहुत दुख की अवस्था है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मिलन से भी अधिक आनंद विरह में है। और इसीलिए जो गोपियों का विरह भावना है, लोग बोलते हैं क्यों कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए, वो विरह का आनंद देने के लिए। जो कृष्ण प्रेम में जो विरह का आनंद है वो अगर आप आनंद का एक पर्वत, आनंद को एक पर्वत के साथ आप तुलना करें तो उसका शिखर है विरह भाव में कृष्ण का, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो विप्रलम्ब सेवा है, उसमें अधिक आनंद है, मिलन से भी अधिक। तो ये आज श्रीमद् भागवतम का भूमिका का अंतिम जो पार्ट है वो हमने फिनिश किया, अंतिम अंश। धन्यवाद। हरे कृष्णा।